हर कसौटी पर परखे स्वर्ण रजत और डायमंड आभूषणों का अनुपम संग्रह फैंसी ज्वेलर्स परकोटा सागर। बारिश के चलते जिला अस्पताल के घटिया निर्माण कार्यों की पोल खुलती जा रही है। दमोह के जिला अस्पताल के वर्ण वार्ड में उपचार करवा रहे मरीजों पर छत का प्लास्टर गिरने से दो मरीज सहित उनके परिजन घायल हो गए। तीनों मरीजों के घायल होने के बाद उन्हें तत्काल ही उपचार के लिए दूसरे कमरे में शिफ्ट किया गया। इस घटना के बाद से अन्य मरीज दहशत में आ गए। बता दें, यहाँ बरसात का पानी छत पर भरा हुआ था। चार दिन से छत से पानी टपक रहा था, जिसकी वजह से प्लास्टर गिरने की घटना हुई। इसके पहले भी कई बार छत का प्लास्टर गिर चुका है, बावजूद इसके हॉस्पिटल प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं मंगलवार को आया था भर्ती होने के लिए, मुझे करंट लग गया झोंके से गाड़ी पे था। उसके बाद मैं 10 दिन अपन आज 12वां दिन था। मैं पड़ा था, सो रहा था, पानी गिरता था इसीलिए मैं सर चुनता था। मैं कई बार सब देख गया, नर्स भी देख गया, डॉक्टर भी देख गया, उनने ये नहीं बोला कि धूप से गिर जाएगा। वो आज ऐसा हुआ कि सुबह सर हम तो सो रहे थे, सुबह अचानक मोड़ हाँ कर दे, अचानक भाग उतरी एकदम से। कितने बजे की बात है और किस किस कुछ बजे आई? 7:30 बजे की, 6:30 की है। 7 बजे तो हमें तैयार का दवाई करा, हम लेटे थे, छत गिर गया, इसमें से थोड़ी दरार खुली थी, पानी भी आ रहा था थोड़ा एकदम गिर गई। कहाँ लगी आपको? दुकान में ही सीना में। कितने लोग घायल हुए? तीनों मरीज। हम मरीज नहीं है सर, हम साथ में थे। हाँ, आज सुबह लगभग 6-7 के बीच में बर्न यूनिट के जो छत रहती है उसका जो प्लास्टर रहता है वो टूट के गिरा, जिससे कुछ मरीजों को सामान्य चोटें आईं। इलाज त्वरित करा दिया गया। इसकी सूचना बरसात के पहले से हमारे द्वारा जो संबंधित विभाग है, जिसके द्वारा मतलब ये क्षतिपूर्ति कार्य कराया जाता है या जो मेंटेनेंस का कार्य देखा जाता है, उसको सूचित किया गया था। बरसात के बाद जब सीपेज स्टार्ट हुआ उसके बाद भी 1-2 बार उनको सूचित किया गया और कार्य ना कराने के कारण से इस प्रकार की स्थिति निर्मित बनी हुई है। और विभिन्न वार्डों में अभी भी सीपेज लगातार बना हुआ है, जिसके लिए आज PWD की टीम ने विजिट किया है और शायद 2-4 दिन में उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वो ये संपूर्ण कार्य कराएंगे, जिससे सीपेज कम हो जाएगा और जहाँ जहाँ छत कमज़ोर हो रही है या वहाँ का छज्जा गिर रहा है, तो अभी हमने वहाँ से पेशेंट हटा लिए हैं और भविष्य में जब पूर्ण रूप से उसका सुधार कार्य हो जाएगा और पूर्ण सुरक्षित स्पेस तैयार हो जाएगा, उसी के बाद वहाँ पेशेंट शिफ्ट किए जाएंगे। इसमें 3 पेशेंट थे बर्न यूनिट में जिनको सामान्य चोटें आई हैं। मतलब खुशी की बात यह है कि किसी भी प्रकार से कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, जिससे किसी को जान की खतरा नहीं बना। क्या एक्शन लिए जाएंगे? इसके बाद माननीय कलेक्टर महोदय को सूचित कर दिया गया है और एक्शन के रूप में सबसे पहले तो यही है कि जो बिल्डिंग का सीपेज हो रहा है, पूरी बिल्डिंग चू रही है, पुरानी बिल्डिंग, उसका जैसे तैसे करके प्रॉपर तरीके से वाटर प्रूफिंग कराई जाए, जिससे सीपेज ना हो और दोबारा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। दमोह से शांतनु भारत, सागर टीवी न्यूज। खूबसूरती का एक अलग अंदाज जो बनाए आपको और भी खास, हर वो नजर जो पड़े आप पर बस ठिठक सी जाए, दिल मचल कर कह उठे तुम हो कोई आफताब। फैंसी ग्लैमर ज्वेलरी, सोने से कम नहीं, खोने पर गम नहीं। दुल्हन पार्टी वेयर लहंगा एवं ज्वेलरी रेंट पर उपलब्ध। फैंसी ग्लैमर ज्वेलरी परकोटा सागर। गहने बनाते हैं आपको खूबसूरत और हम गहनों को। फैंसी ज्वेलर्स, उत्कृष्ट डिजाइन और शुद्धता की हर कसौटी पर परखे स्वर्ण रजत और डायमंड आभूषणों का अनुपम संग्रह फैंसी ज्वेलर्स परकोटा सागर।